हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ईशान वर्ल्ड टाइल शोरूम के अंदर। आज हम बात करेंगे रैंडम और एंडेड स्टाइल में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं रैंडम टाइल्स। रैंडम टाइल्स में क्या होते हैं, आपकी ये पैटर्न से पैटर्न मैच नहीं करता है, इस लाइन से ये लाइन मैच नहीं करती है, ये होता है आपका रैंडम। अब हम बात कर लेते हैं एंडलेस स्टाइल क्या होता है। एंडलेस स्टाइल हमारा ये होता है कि हमारे ये पैटर्न से पैटर्न मैच करता है, ये पैटर्न बनता जाता है, आप कैसे भी लगाइए इसको ये पैटर्न से पैटर्न मैच करेगा, इसको हम बोलते हैं एंडलेस स्टाइल। हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन होता है कि हम अपने किसी भी डेकोरेटिव बॉल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे हमें कहीं लंबा पैटर्न क्रिएट करना है अपनी फ्लोरिंग में, तो हम फ्लोरिंग में उसका यूज़ कर सकते हैं। देन हम इसका म्यूरल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और एनी इंटीरियर के लिए हैं कि इस पर क्या क्या साइजेस आते हैं और ये किस किस फिनिश के अंदर आता है। तो जो ये मोस्टली आता है ये आपका आता है 600x1200 mm के अंदर। और इसकी फिनिश के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका मैट में आता है, ग्लॉस में आता है और कार्विंग के भी अंदर आता है। तो ये जो फिनिश देख रहे हो आप, ये कार्विंग फिनिश है, दिस वन, ये जो साइन कर रहा है इसको हम कार्विंग बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी के बारे में। तो इसकी जो बॉडी होती है वो होती है आपकी विट्रीफाइड बॉडी। ये है आपका ग्लॉस फिनिश। ग्लॉस फिनिश के अंदर आपका रैंडम और एंडलेस दोनों ही पैटर्न्स आते हैं। इसके अंदर हमारे पास कई टाइप्स के पैटर्न्स अवेलेबल हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा इटालियन पैटर्न जिसको हम इटालियन कहते हैं। अब ये बात कर लेते हैं हम, तो ये है हमारा जो सतवारियो पैटर्न होता है, सतवारियो पैटर्न है ये, हमारा कार्विंग के अंदर दिया हुआ है, ये आपका पैटर्न दिया हुआ है। एक कुछ डिफरेंट कलर आप ये देख सकते हैं, ये आपका डिफरेंट कलर है। इसके बाद आपका ये है, ये कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं। ये आपका सर शुगर फिनिश के अंदर है, ये पूरा शुगर फिनिश दिया हुआ है। बाकी ये आपका सारा कार्विंग के अंदर है। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये है आपका, ये आपका एंडलेस पैटर्न है, पैटर्न से पैटर्न मैच करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में कि रैंडम और एंडलेस स्टाइल के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रैंडम टाइल्स चाहिए या एंडलेस टाइल्स चाहिए। तो आपका जो रैंडम टाइल होता है उसमें क्या होता है, आप किसी भी पीस को कहीं पे भी रैंडमली उठा के लगा सकते हैं, उसमें कोई भी पैटर्न क्रिएट नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपना एंडलेस के बारे में। तो एंडलेस में क्या होता है, हमें ए और बी दो पार्ट में दिया होता है। तो हम ए लगाएंगे देन फिर बी पार्ट लगाएंगे, तो उसमें एक पैटर्न क्रिएट होता है। तो हमें ऐसे पैटर्न क्रिएट करने के लिए रैंडम एंडलेस स्टाइल का यूज़ करना होता है। ऐसी ही टाइल्स की जानकारी के लिए आप ईशान वर्ल्ड से जुड़े रहिए।